Subscribe channel Prickly Pradeepan and press the bell icon to watch latest life-based videos. Hi friends, this is me Prickly here and welcome you all to my YouTube channel Prickly Pradeepan once again. So friends, actually आज मैं एक natural तरीके से soap बनाने सोच रहा हूँ जो बिल्कुल natural तरीके से बन रहा है. For example, अभी बाहर से जो भी soap आप लोग करते रहेंगे वो सब पूरा chemical से, right? So actually मैंने भी सोचा यार कुछ try करना चाहिए नया तरीके से, बिल्कुल natural तरीका. तो एक्चुअली सोप बेस तो अवेलेबल है मार्केट में, बस सोप बेस आपको लेना है और बाकी जो भी आपके घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मेरा घर में एलोवेरा है अवेलेबल है और तुलसी भी अवेलेबल है, इसलिए मैं एलोवेरा और तुलसी का कंबाइन कॉम्बिनेशन बना के एक नेचुरल तरीके से सोप बनाने सोचा हूँ. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से ये सोप बना रहा हूँ और आप भी कुछ ट्राई करके देख सकते हैं. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे कट करने वाला हूँ. तो फ्रेंड्स, इसमें मैं नेचुरल तुलसी यूज़ करने वाला हूँ. आप देख सकती हो ये तुलसी का प्लांट है, तो मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ ऐसे इंग्रेडिएंट के. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका जेल बस लेने वाले हैं. पहले हम लोग इसे कट करेंगे ताकि जेल जैसा लेने के लिए. क्योंकि सब बड़ा ही पीसे से ऐसे करके ले गए हम लोग. धनुर वेस्ट के सामने रखते हो वेस्ट पात्र किचन. ई अद वे कुछ नीट तनु स्पून एट एडिंग स्पून स्मॉल वॉश. सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग इसे स्पून से लेने सोच रहे क्योंकि ये नाइफ से लेने की थोड़ा हार्ड जैसा लग रहा है मुझे, तो हम लोग स्पून से इसका इसी वे तनु पट्टन वा. सो अभी फ्रेंड्स, इसका जेल हम लोग लेने वाले हैं. आप देख सकते हो इस तरह से लेने वाले. फ्रेंड, इसको कट करके हम लोग इसका जेल निकाल ले, इसलिए फर्स्ट में इसका इसको ऐसे ऐसे करके हर जेल निकाल लूँगा मैं.
सो फ्रेंड्स, ये सोप पेस्ट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें मेनली, पहले हमें इसे स्लाइस करना है, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हमें क्या करना है। सो अभी मैं इसे स्लाइस करके आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स स्लाइस इट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आधा यूज़ करने वाला हूँ इस टाइम। तो फ्रेंड्स, इसे अभी स्लाइस करना है। अच्छा, तो तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम मैंने स्लाइस कर दिया हो, अभी हम लोग इसे स्टीम करके इसको मेल्ट करने वाले। सो मैं वो प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, इसमें एलोवेरा डाल दिया हो, अभी इसमें हम लोग तुलसी भी डालने वाले। सो ये तुलसी है, फ्रेश नेचुरल तुलसी, और अभी हमें इसे इसके साथ मतलब पूरा मिक्स करके इसका लिक्विड बनाने वाले। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोगों ने एलोवेरा तुलसी का मिक्सचर इसमें डाल के इसका बस लिक्विड ले रहे हैं हम लोग। तो इसका वेस्ट जो है हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे भी कर सकते हैं पर हम लोग इसका वेस्ट जो है यूज़ कर रहे नहीं है। अभी ये तुलसी और एलोवेरा का प्योर लिक्विड है, कंबाइंड मिक्सचर है। अभी मैक्सिमम सब आ गया इसमें। ओके, विल अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इसे हम लोग डबल बॉईल करने वाले हैं, इसीलिए इसे मेल्ट करने के लिए पहले ऐसे डालेंगे पीसेस। और ये मेल्ट होगा धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब मेल्ट हो रहा है, ये स्लोली स्लोली मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हो। और थोड़ा मेल्ट होना बाकी है।
सो फ्रेंड्स ये पूरा मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हो पूरा मेल्ट हो गया ये। अभी हम लोग मिक्स करेंगे जो लिक्विड, जो एलोवेरा और तुलसी का लिक्विड हम लोगों ने बनाया था वो हम लोग इसमें मिक्स करने वाले। सो फ्रेंड्स हम लोग इसमें मिक्स करने वाले, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको मिक्स कर रही है, स्टैरिंग करके मिक्स कर रहे हैं इसे। अभी ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, अच्छा तुलसी का स्मेल आ रहा है इसमें से। सो फ्रेंड्स अभी ये हमारा तैयार हो गया, अभी हम लोग इसे फिल करने वाले। ये शेप में मिलने के लिए हमें ये मोल्ड जैसा एक चीज़ यूज़ करें रबर का, ये भी ईजीली अवेलेबल है। तो बस आपको ये डालना है इसका शेप मिलने के लिए। अभी ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। फ्रेंड्स आप आपके घर पे ऐसे बना सकते हो। अभी इसे हमें थोड़ा टाइम रखना भी है ऐसे करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी इसे हम ठंडा होने के लिए कुछ टाइम रखेंगे इसके अंदर, फिर हम इसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स अभी मैं इसे ओपन करने वाला हम लोग इसे ओपन करने वाले। वाह बहुत अच्छे तरीके से सोप मिला है फ्रेंड्स, इसे साइड पे रख देता हूँ। और ये स्क्वायर शेप वाला और ये देखो फ्रेंड्स ये कुछ और शेप निकल रहा है, और फ्रेंड्स ये दूसरा शेप है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सोप इतना अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा शेप जैसा, मतलब एक्सपेक्टेशन से कुछ अच्छा ही लग रहा है। इतना अच्छे से आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, मतलब दुकान से ख़रीदने से ज़्यादा चीप मिल गया है। सो आप लोग ये सब ट्राई कर सकते हो अभी। एक्चुअली ये सोप बहुत अच्छे तरीके से बना, मुझे ये सोप बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली फॉर एग्जांपल जैसे कि बाहर से मैं पहले सोप लेता था, अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी मैं अभी दिखाने सोच रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं सोप यूज़ करके मेरा फेस पे यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि नॉर्मल सोप जैसा वैसे ही ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली मैं अभी ये सोप यूज़ करने जा रहा हूँ अपने मुँह में, आई मीन अपने फेस पे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसका स्मेल तुलसी का स्मेल आ रहा है, इसमें मैंने कुछ फ्रेग्रेंस ऐड किया नहीं हूँ, नेचुरल तुलसी है ये, मतलब दूसरे सोप जैसे ये आप यूज़ कर सकते हैं। देखो अच्छे तरीके से आ रहा है। ओके सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अभी मैं अपना फेस वॉश करके आ जाता हूँ, जैसे कि मैं आपको बस दिखाने, क्योंकि एक सोप बनाए तो उसका रिजल्ट भी दिखाना मतलब सही होता है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे यार इसने कुछ इतना कुछ चीज़ बना दिया आपने ऊपर यूज़ नहीं कर रहा है, ऐसे भी कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं। तो मैंने सोचा मतलब यूज़ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा तरीके से नेचुरली मतलब बहुत ही अच्छा सोप है, आप ट्राई करके देखो आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और आई अपना फेस भी वॉश करके आ गया हूँ, मतलब ये बहुत अच्छा सोप है, आप अपने घर पर मुझसे भी अच्छा आप बना के ट्राई करके देख सकते हो। आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स पसंद आए, जैसे कि स्किन के लिए आपको लगे ये स्किन के लिए अच्छा है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे तरीके से सोप बनेगा, मतलब कोई एक्चुअली इसमें तुलसी यूज़ किया इसीलिए इसका ग्रीन कलर आ गया, नहीं तो इसका ग्रीन कलर आता भी नहीं था फ्रेंड्स। ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी ट्यून्ड, सी यू।